मुझे बताइए ना भाभी जी घर में क्या हुआ था, क्या गॉसिप थी? हाँ पर फ्रेंकली यहाँ पे मेरे पास इसलिए गॉसिप नहीं है क्योंकि करण भाई के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, तो हमारा कभी उसके साथ कोई किसी भी किस्म का अच्छा या बुरा रिश्ता नहीं है। सो ये अगेन मैंने कहा ना पर्सन टू पर्सन, अगर उसे उसे ये लगा किस वजह से लगा। आई थिंक गैर जिम्मेदाराना है एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आस्क माई ऑफिस टू सेंड हिम अ लेटर, यू नो, रिक्वेस्टिंग हिम दैट वाई ही हैज गिवन द स्टेटमेंट एंड इफ ही हैज गिवन ही मस्ट हैव सम प्रूफ और समथिंग टू टेल अस। इफ आई गेट एन आंसर फ्रॉम हिम आई विल शेयर विद यू। सी एनीथिंग विल कम टू अस विल रिस्पेक्ट दैट एंड विल यू नो ओबे द ऑर्डर्स और वॉट एवर दे वॉन्ट टू मॉनिटर द शो दे वॉन्ट टू वॉच एनीथिंग। Anything is going to come to us, we are going to respect it. अब ऐसा है कि बेचारे सादे सीधे लोग हैं, आज तक कभी मीडिया से इंटरेक्शन हुआ नहीं, अचानक इतना सारा मीडिया जब बात करने लगता है तो हर आदमी समझ नहीं पाता, बौखला भी जाता है और कुछ चीज़ उन्हें समझ आती है। बट सेट पर अगर आप बात करें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे वन से दे आर फ्रेंड्स। जिस तरह आपके वो 9 और 18 साल के बच्चों की एक केमिस्ट्री होती है, वो उसी तरह हंसते हैं खेलते हैं, वो उसको पढ़ाई में मदद कर देती है कभी जब वो बुक्स लेकर आता है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल, नोबडी इज़। ये तो इतनी बातें क्योंकि लोगों ने कर करके कर दिया तो थोड़ा बहुत कई बार बच्चा है वो हो जाता है, बट अदरवाइज ही इज़ वेरी स्वीट। लॉट को तो किसी तरह से कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, नो वन, ओनली ऑडियंस का रिस्पॉन्स ही लॉट को अफेक्ट कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि टीवी इंडस्ट्री में बहुत जनों ने सपोर्ट भी किया है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत लोगों ने किया है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, चाहे हम टीवी इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर उन्हें कुछ लगता है और बोलने का मौका मिलता है उन्होंने कहा होगा। नो बिकॉज हमने कहा नहीं, कहानी है ही नहीं। अगर एक आदमी ने यह वचन मांगा और वो कह रहा है लीगल नहीं है मेरे लिए कर दे, तो क्या करती मैं उसके साथ बैठ के जब वो बेड पे पड़ा है, मैं ये बातें तो नहीं करती कि सुनियो देखो ये फिर बाल विवाह हो जाएगा, ये हमारे देश में ऐसा, वो कह रहा है बैन नहीं, बैन है, गलत है, मेरे बेटे की रक्षा के लिए करते। कहानी तो ये है, वो कह ही नहीं रहा है कि मैं इससे बाल विवाह को प्रमोट कर रहा हूँ या हमने किसी तरह के किसी माँ बाप ने ये किया हो, कुछ भी नहीं। ये उस मरते हुए आदमी को लगा कि मैरिज इज द ओनली सॉल्यूशन, उसकी अपनी फीलिंग थी। वो किस हक से उसको उस घर में रखता, क्या बोल के उसको उसकी पहरेदार बनाता? उसे उस वक्त नीड ऑफ आर में समटाइम्स हम जिस वक्त होते हैं कि हमारे पास 15 मिनट का वक्त है, हमारा दिमाग हर चीज सही ही सोचे जरूरी नहीं है। वो सेल्फिश बाप था, उसने जो जिंदगी चुनी दिया के लिए, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए चुनी, हल्का सेल्फिशनेस उसमें आया, बट उस वक्त उसको नीड ऑफ आर में यही सूझा कि ये एक लड़की है जो मुझे शार्प दिखती है, मुझे इसमें ब्राइट दिखती है, ये मेरे बच्चे को बचा सकती है और कोई नहीं, उसने ये मांग कर ली। ये उस आदमी को नहीं सूझा जो मर रहा था, प्लस जो आप बोल रहे हैं अगर वो भी वो बन जाती, वो एक 18 साल की लड़की को आज 12 साल की तपस्या दे रहा है कि ठीक है 12 ईयर्स बाद तेरी मैरिज हो जाएगी तब तू हैप्पी होगी। माँ बना के वो उस लड़की को क्या जिंदगी देता? कुछ भी नहीं। कि तुम 18 साल की उम्र में तुमने कोई सुख नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, तुम सीधी माँ बन जाओ मेरे बच्चे की और सब कुछ त्याग दो, अपने जीवन के सारे सपने सारे अरमान त्याग दो। आज तो उसने सिर्फ 12 साल की तपस्या दी है। मैम, एनी पब्लिसिटी का गुड पब्लिसिटी, तो आपको लगता है कि फायदा होगा इतनी, मतलब जो चर्चा है इसकी तो टीआरपी को फायदा मिलेगा? मुझे ओके अभी तक टीआरपी अगर 2-3 आ जाती तो मैं आपकी बात समझती। अभी जो टीआरपी आई है वो तो हमें लगता है हमारे कंटेंट के बलबूते पर ही आई है। जिस दिन आ गई तो फिर सर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम। टीटी है क्योंकि तब तो शो प्रोग्रेसिव हो जाएगा ना, 21 साल का लड़का और 30 साल की लड़की तो प्रोग्रेसिव शो होता है। बट मुझे अगेन यही नहीं समझ में आ रहा है कि आज हम कहां हैं देश में, अच्छाई करना रिग्रेसिव कैसे हो गया? मुझे यही नहीं समझ में आता कि आप सब लोग बैठे हैं, आप किसी का भला कर रहे हैं, कोई मरते हुए आदमी को जिंदगी में वचन दे रहे हैं,
ये रिग्रेसिव कैसे है? अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस देश में हम रहते हैं, हमने ऐसी कहानियां पढ़ी है कि हमारे ही देश में एक राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, भाई बनाया था, बिकॉज उसको जरूरत थी उस वक्त हुमायूं की, उस जगह को बचाने की। कई लोग थे, राजा तो बहुत सारे थे, एक मुगल शासक को क्यों भेजा उसने? वो जरूरत थी और वो आया भी। आज हम उस कहानी को सुनाते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि देखो ऐसा होता है भाई बहन का रिश्ता। अगर कोई किसी की अच्छाई, हाँ, पर अगर अच्छाई के लिए ब्रदर सिस्टर या शादी कुछ भी हो सकता है ना, आप कैसे मानते हैं? हाउ इट्स इररिस्पॉन्सिबल। आप अगर दिया की जगह होती, आपकी जिंदगी किसी ने बचाई होती और वो आदमी मरता हुआ आपसे कहता कि प्लीज मेरे बेटे के लिए कर दे, आप क्या करती? बट अगेन मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कृपी, आप कौन से? नॉट एट ऑल। हमने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो रोजमर्रा के घरों में नहीं होती, हमारे घरों में होती है ये बातें। आप अपने भाई के सुहागरात का कमरा घर में सजाती हैं कि नहीं सजाती हैं? उस वक्त आपके बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं आप क्या जवाब देती हैं? तब आपने बंद कर दिया कि नहीं अब से कमरा नहीं सजेगा? हर घर में हमारे देश के छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर में सजता ही है। हम खुद लाके फूल लगा के सजते, सारे बच्चे घूमते उस कमरे में। पर मुझे ऐसा लगे मैं कुछ गलत दिखा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, इफ आई फील कि मैंने कोई ऐसी चीज दिखाई है जो हम घरों में बात नहीं करते, जिसको बात करने में हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो मैं जरूर मानती कि हाँ ये चीज हमने फिक्शनल तौर पे दिखाई है और वैसे ये मेरा सोच नहीं थी। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो आके आपको ये कहता। Television is not about audience, which is an adult. It's like a family experience. क्या बात कर रहे हैं, कितना कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो टेलीविजन पे बहुत कुछ ऐसा देखा है जो एडल्ट है। I mean, I'm talking about serials in particular. Serials also. Family is consumed together. But कहाँ है हनीमून सीन? पर कहाँ है हनीमून सीन? वही मैं कह रही हूँ कि आप सब फैमिली मैन हैं, सबके घरों में हैं। अगर आपके यहाँ शादी होती है, कपल घूमने जाता है, आप बोलते हैं कि नहीं वो हनीमून गए? सब बोलते हैं एयरपोर्ट पे, इस पे, उस पे, ये हनीमून पे जा रहे हैं। अरे आपके उनकी शादी, हनीमून कहाँ जा रहे हैं? दिस इज द कॉमन वर्ड वी यूज, इसमें क्या गलत है? नहीं पर हमने नहीं दिखा, आपने देखा है हनीमून सीन? नहीं, आपने देखा है हनीमून सीन? नो, ऑफ कोर्स नहीं, आपने हनीमून सीन देखा है? बिकॉज देन ओनली वी कैन डिस्कस। अगर आपने देखा है डेफिनेटली आई विल डिस्कस। जिसको आप हनीमून सीन बोल रहे हैं वो क्या है? सेटिंग क्या आप देखेंगे तो मुझे पता चलेगा ना जिसको आप कह रहे हैं। द वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट वी आर मेकिंग अ ड्रामा, राइट? इट्स अ शो, इट्स अ फिक्शन सीरीज। What will be the role play of the negative force in the show? If they will not highlight the things which are going to turn wrong or make Diya weaker, what will be their role? They are doing exactly the things which are making your main lead uncomfortable. They are playing on these cards only. नहीं, और same चीज उन्होंने की मुंह दिखाई पे, जहां उन्होंने उसको gold digger तक बोला, ये किसी ने बोला ही नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की किसी ने। द सेम थिंग्स दे आर डूइंग, मुंह दिखाई पे चिढ़ा रहे हैं, फर्स्ट नाइट पे इस तरह चिढ़ा रहे हैं, हनीमून बोल के चिढ़ा रहे हैं, कुछ हो तो रहा ही नहीं है। इट्स जस्ट वर्ड जो आप कह रहे हैं ना, वी आर यूजिंग द वर्ड जो हम घरों में यूज करते हैं, नथिंग बियॉन्ड दैट। ये जो आप बोल रहे हैं ये मैंने इन जनरल इस तरह भी देखा है कि जब जो आप बोल रहे हैं घरों में जब शादी होती है, जेवर आते हैं, कपड़े बनते हैं, जब एक बहुत अटेंशन मिलता है चीजों को, तब भी बच्चे बोलते हैं शादी में इतनी सारी चीजें मिलती है, मेरी भी शादी करा दो। मेरी थिंक कुछ चीज अगर आप देखते हो बच्चे के अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हो, हम समझाते हैं कि ये एज होती है, ये नहीं होती है। यही चीज वो यहाँ दिखा रहा है, हम शो में भी यही समझा रहे हैं कि ये एज नहीं है, ये सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से ये। पर हम वापस उस पे आ रहे हैं ना कि हम कोई ऐसा सीन दिखाएं तो किसी की साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़े ना, हम तो उसको दिखा ही रहे दोस्त है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है, रोमांस कर रहा है, हनीमून मना रहा है लंदन जाके, लंदन जाते तो हम भी जाते ना, बट ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंड द काउंसलिंग बोल लीजिए या
correct environment for the kid on the set. You know, all these things are taken care of very well. So that's very important for us as well, because he's shooting day and whole day with us, his parents or including us. We all are responsible for the kids, you know, welfare or health or mindset or everything. We are constantly working on that. It's not that we are just asking him to shoot, just say the lines and go away. No, we are just handling that age very well, I can say. उसकी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज सिर्फ पहरेदार पिया। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, but we really want to know कि सिद्धार्थ के टाइटल की न्यूज़ जब से वो शो शुरू हुआ है तब से आ रही है। यार उसके लिए अलग से लाइटलाइट देना थोड़ी यार। दो अलग अलग न्यूज आएंगी तो कितना अच्छा लगेगा हमारे जैसे प्रोड्यूसर। कभी आई स्वेयर कभी इतने सारे माइक्स और कैमरास प्रोड्यूसर्स पे लगे नहीं है। लेट अस चेरिश दैट यू नो। कौन आ गया जी वापस? घर की बात है, वापस कर लेंगे यार कि वापस आता। लेट्स नॉट डिबेट आवरसेल्फ्स। लेट्स टॉक अबाउट पहरेदार पूरा तो बोल दें। ये तीसरा मुद्दा हो गया। वापस गाना पड़ेगा पहरेदार। सर हम तो इस मामले में पूरा डे बाय डे कोर्स के साथ जाना चाहेंगे, इतना एडवांस में हम सोचना नहीं चाहते हैं। हमारा इस वक्त फर्ज सिर्फ इतना है कि हमारे फैक्ट सामने रखना, जैसे हम आज आपके सामने रख रहे हैं वैसे ही हम बीसीसीआई के सामने भी रखना चाहेंगे, मिनिस्ट्री के सामने भी रखना चाहेंगे। उन्हें भी रिक्वेस्ट एक ही बात की करेंगे कि एक बार आप प्लीज़ कंटेंट देख लीजिए, उसके बाद जो भी उनका निर्णय होगा वो सर आंखों पे, और उसके बाद का जो भी डिस्कशन है वो उसके बाद होगा। अभी से करने का कोई लॉजिक ही नहीं है उसको। सो आई थिंक वी आर टुगेदर एंड इन ग्लव, सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉन्टेंट एंड दे आर एंड दे नो वॉट वी हैव रिटन। हमने मतलब वो तो हमारे एपिसोड देखते हैं और कोई देखे ना देखे, सो दे नो कि हमने ऐसी कोई चीज लिखी ही नहीं है जो गलत है। ऑफ कोर्स ये अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ तो थोड़ा अभी मतलब ऐसे करना पड़ रहा है। वी डोंट ओवर ईट नाउ, मतलब आई तो डोंट प्रिफर टू ओवर ईट, सो इट्स लाइक ओवर ईटिंग नाउ, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू जस्ट यू नो डिफ्यूज इट। सो बैकलैशिंग से घबराने वाला कोई मुद्दा नहीं है, ना हम उससे डरते हैं, बिकॉज वी नो आवर जॉब इज गुड एंड ऑनेस्ट, सो दैट्स नॉट द पॉइंट। बस सिर्फ ये है कि जो एक कॉमनली हम देखते आए हैं आज तक शायद कि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना अफवाहें फैलती हैं, सो ये बैकलैशेस से हट के अब चीज़ें अफवाहों का रूप बड़ा ले रही हैं, सो उसे ही एक कन्वर्ट करने की एक कोशिश है ये कि हम मैम अभी राइट नाउ द मीटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन IFTPC एंड ब्रॉडकास्टर, राइट नाउ इट्स ऑन एंड आई हैड टू स्किप दैट। आई सेड सॉरी टू माई टीम फेलो मेंबर्स प्रोड्यूसर्स एंड आई एम हियर, सो आई डोंट थिंक आई हैव द राइट इन्फॉर्मेशन टू शेयर राइट नाउ। बैलेंस और एपिसोड व्हाट आई एम हाँ मैं तो घबरा गया, मैंने बोला अभी बैंक बैलेंस भी बताना पड़ेगा, ऑफिस में अकाउंट वाले को पूछना पड़ेगा। सो वी आर ट्राइंग टू ऑफकोर्स क्रिएट द बैंक एट आर एंड ऑफकोर्स, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट ऑडियंस टू फील दैट दे हैव नॉट सीन द एपिसोड विच दे आर वेटिंग फॉर, आई होप। सो वी आर क्रिएटिंग द बैंक फॉर द एपिसोड। Hi, this is Samrat Bawa. You're watching GlitzVision and do subscribe to the channel.